मेरा बेटा अब्दुल रहमान कल 3:15 बजे उसको ये शैतानों ने मारा है, अब तक कोई पकड़ा नहीं गया। हमारे बच्चे ऐसे ही मारे जाते रहेंगे। क्या हम लोगों का घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है? एजुकेशन के लिए, अपने कामों के लिए, हॉस्पिटल जाने या कहीं जाने आने के लिए नहीं रह गए क्या शहर में? भाई हम लोग नौजवान बच्चों को मार मार के जा रहे हैं यार, डकैती के नाम पे। ये कौन है? मेरी तो दुनिया उछाड़ दी, मेरा बच्चा ला दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और खानदान पर कयामत ढा दी। नॉर्थ कराची में कत्ल किए जाने वाले अब्दुल रहमान के अहले खाना गम से निढाल। वालिद की आहुबका, भाई का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। मकतूल की नमाज जनाजा सुरजानी टाउन में अदा। रुकन असम्बली फारूक सत्तार समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाकई का मुकदमा दर्ज। SHO बिलाल कॉलोनी शहजादा सलीम मुअत्तल। कराची को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस बदअमनी का नोटिस लें। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ ईद के बाद वज़ीर-ए-आला हाउस के घेराव का ऐलान। कहा कि डाकू के हाथों अब्दुल रहमान के कत्ल पर शहर सोगवार है। 50 नौजवानों को खून में नहला दिया गया। अमन के जिम्मेदार नाकाम हो गए। कराची पुलिस लापरवाह, शहरी लावारिस। रवां बरस 45 जिंदगियां स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोलियों का निशाना। नया IG सिंध गुलाम नबी मेमन का भी जबानी जमा खर्च। स्ट्रीट क्राइम से निमटने को तरजीह करार दे दिया। पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिमिनल्स डेटा बैंक को बेहतर करना है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ भी इकदाम किए जाएंगे। शहदाए फलस्तीन का खून रंग लाने लगा। क़यामत सुग्रा के 171वें रोज बिलआख़िर सलामती काउंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। राय शुमारी में शामिल 15 में से 14 रुकने ममालिक ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। अमेरिका को लाडले इसराइल की नाराजगी का खौफ, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद पेश करने वाले ममालिक में अलजायर, जापान, एक्वाडोर, स्विट्जरलैंड, जनूबी कोरिया, माल्टा समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। निहत्ते अहले फलस्तीन के खिलाफ सहूनी दरिंदों की कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में मजीद 84 अफराद शहीद, 104 जख्मी। इसराइली फोर्सेज ने अल अमल और नासर अस्पताल को भी घेर लिया। अल शिफा अस्पताल के बाहर लाशों पर बिलडोजर चला दिए। खान यूनिस में अस्पतालों के इतराफ शदीद बमबारी। रफा पर हमले में 7 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बला में 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया। ₹500 का बिल ₹1500 का होगा। KP और पंजाब के गैस सार्फिन पर बड़े जाल की तैयारी। गैस कंपनी ने कीमतों में 155% इजाफा मांग लिया। ओग्रा में अहम समात, दौरानी सुनवाई सनतकारों का एहतजाज। तनबीह की कि पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। चेयरमैन ओग्रा बोले, जरूरी नहीं जितना इजाफा मांगा है उतना ही करें, जो भी फैसला होगा 1 जुलाई से होगा। आवाम का कहना है कि महंगाई वैसे ही इतनी है, गैस महंगी हो गई तो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। खींची जा रहे हैं मुंह में से, कौन कहता है भाई बिजली का बिल ये बढ़ा रहे हैं, गैस का ये बढ़ा रहे हैं। ये एक महीने की हुकूमत में 3-3 मरतबा जो है ना, ये गैस और बिजली वगैरह के रेट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ा रहे हैं, गैस के भी डबल से डबल कर रहे हैं। बच्चे क्या खाएं, क्या खाएं, बच्चों को खिलाएं, क्या हम खाएं, खुदा खाओ कुछ खौफ खाओ। अवाम पर गैस कीमतों के बढ़ते बोझ पर वज़ीर आज़म नाराज। ओग्रा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 माह में गैस की कीमतों में हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट तलब। 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकस कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन बनाने का हुक्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ा भड्डा मजीद बढ़ गया। पीटीआई कोर कमेटी इजलास हंगामी राय का शिकार। शेर अफजल मरवत और न्याजुल्ला न्याजी के दरमियान शदीद तलकलाम। दोनों की एक दूसरे को खतरनाक नतायज भुगतने की खुली धमकियां। शेर अफजल मरवत न्याजुल्ला न्याजी को धमकी लगाई, बाहर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ। न्याजुल्ला न्याजी ने कहा कि आ जाओ बाहर, मुझे शुएब शाहीन मत समझना। अली मोहम्मद खान, नई पंजोता, बैरिस्टर गोहर ने मामला रफा दफा कर दिया।
तरीके इंसाफ इस वक्त बहुत टूट फूट का शिकार है। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान साहब एक बात करते हैं और दूसरी तरफ से शेर अफजल मरवत साहब दूसरी बात करते हैं। कोई कहता है कि खान साहब ने कहा था कि मजलिसे वहदतुल मुस्लिमीन को ज्वाइन करना है, कोई कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना है। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार, रहनुमा दस्तो गिरेबा, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, गौहर खान एक बात करते हैं, शेर अफजल मरवत दूसरी, वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मशवरा दिया अंदरूनी सियासत छोड़कर मिजाक मैशत की तरफ आएं, कौमी धारे में आएं और यहां सियासत करें, गरीब अवाम पर टैक्स बोझ कम करने का वादा, मुल्क में अमन अमान की बहाली की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैसलाबाद में धाती डोर से जाँबहक नौजवान आसिफ इशवाक की रिहाइश का अमल, अहले खाना से ताज़ियत और दुआ मगफरत की। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी, आसिफ की शादी करनी थी, मरहूम की वालिदा हिचकियाँ लेकर रोने लगी। साबिक वज़ीर आज़म का भी सोगवार खानदान को दिलासा, बोले सब मिलकर इस जुर्म को रोकेंगे, खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। मरियम नवाज का कहना था कि पतंगबाजी तफरी नहीं खूनी खेल बन चुका है, धाती तार बनाने बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद में पतंग की डोर से आसिफ की मौत के जिम्मेदारों की निशानदही, निजी इमारत पर पतंगबाजी में कातिल डोर का इस्तेमाल हुआ, सीपीओ मोहम्मद अली जिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मस्कूरा इमारत पर डोर और पतंगें जलाए जाने का सुराग मिला है, आबिद नामी मुलजम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजम ने निजी बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी खत्म करवा दी थी। सीसीपीओ का कहना है कि 12 टीमें बनाकर टेक्निकल तरीके से तफ्तीश मुकम्मल की। एचएसएन कॉलेज में वफाकी वजीर के बच्चों के जुर्माने की मुआफ़ी, प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन ने इस्तीफा दे दिया, मैनेजमेंट कमेटी से सैयद बाबर अली भी मुस्ताफी। प्रिंसिपल ने एचएसएन कॉलेज के स्टाफ को खत के जरिए आगाह किया, लिखा अब तक एचएसएन कॉलेज छोड़ने का इरादा नहीं किया था, दूसरा रास्ता नहीं, बतौर प्रिंसिपल मैंने हमेशा स्कूल की साख की हिफाजत की है, कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए पॉलिसी को नुकसान पहुँचाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तला अता तारड़ का प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज से राबता, इस्तीफ़ा वापस लेने और मामले को खुश उसलूबी से हल करने के हवाले से गुफ्तगु। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे, ऑडिट शुरू कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं प्रिंसिपल एक साल में 100 से ज्यादा छुट्टियां किया करते थे। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले अहद चीमा के बच्चे 3 साल से एचएसएन कॉलेज में नहीं पढ़ रहे, जब बच्चे ना पढ़ रहे हों तो फीस कैसी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इख्तलाफात का शिकार, कायदे हिज्ब इख्तलाफ और पार्लिमानी लीडर का इंतखाब खटाई में पड़ गया, अपोजिशन लीडर के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की लॉबी मुतहरिक, स्पीकर ने ताहाल उमर यूब का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, अक्सर अराकी जैन कुरेशी को पार्लिमानी लीडर बनाने के भी मुखालिफ, बैरिस्टर गोहर खुद पार्लिमानी लीडर बनने के ख्वाहिशमंद। पाक बहरिया का खुले समंदर में ईरानी माहीगिरों को बचाने के लिए कामयाब ऑपरेशन, मुतासिरा कश्ती की हंगामी कॉल को बरवक्त मॉनिटर कर लिया, आईएसपीआर के मुताबिक पीएनएस यरमूक ने इंतहाई सुबक रफ्तारी से पहुंचकर आतिशजदगी का शिकार ईरानी कश्ती के 8 माहीगिरों को बचाया, पाक बहरिया के जहाज ने बेकाबू आग को बुझाने में भी अहसन किरदार अदा किया। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का फैसला, ताजर दोस्त ऐप से ताजरों और दुकानों को डेटा मुरतब करने के इकदाम जारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर खजाना की ब्रीफिंग, बताया 5 बड़े शहरों के रिटेलर्स और होलसेलर्स टैक्स नेट में लाए जाएंगे, स्टोर्स दुकानें वेयर हाउसेस कारोबारी दफातर एडवांस इनकम टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पीटीआई रहनुमा मुराद सईद अहल करार, एपेलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने मुराद सईद की अपील की समाअत की, ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद की अपील मंजूर कर ली,
एपेलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई रहनुमा आजम स्वाति के सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी मंजूर किए। दिलावर खान, रुबीना खालिद, फिदा मोहम्मद और अजहर मशवानी की कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपीलें खारिज। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट ने महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल को जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात पेश करने की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि बताएं कितने मुलजिमान को सजा हुई, कितने बरी हुए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, अदालत ने हतमी फैसले से रोका था। सलमान अकरम राजा की बरी होने वाले मुलजिमान के फैसले सुनाने की सदा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि बरीयत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। सहाफियों के खिलाफ मुकदमात वापस लिए जाएंगे। एफआईए की सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी। हरासा करने से मुतालिक केस की समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2000 में केस अज खुद नोटिस लिया था, उस वक्त अगर ये फैसला हो जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। वो मामला एफआईए नोटिस मिलने से ज़्यादा संगीन था। जो लोग पीछे हट गए उनकी भी कमजोरी है। इल्ज़ाम तो लगाया जाता है मगर अदालत में पेश होकर मौकफ नहीं दिया जाता। किसी को पता ही नहीं साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि इससे दुश्मन को फायदा हो गया। सारा केस एक ऐसे डॉक्यूमेंट के गिर्द घूम रहा है जिसका मतन भी रिकॉर्ड पर नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साइफर केस में रिमार्क्स। सजा के खिलाफ वानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर समाप्त। चीफ जस्टिस ने कहा, हमने सुपरिटेंडेंट अदियाला जेल से रिपोर्ट मंगवाई जो अभी तक पेश ना हो सकी। केस की समाप्त कल तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की अदालत का जमानत केस में 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। अदालती हुक्म के बावजूद जेल हुकाम ने वीडियो लिंक हाजिरी नहीं लगाई। गुज़िश्ता समात में भी अदालत ने वीडियो लिंक हाजिरी ना लगवाने पर नोटिस जारी किया था। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद कभी तय नहीं हुई। जंगनान भारत के गैर कानूनी कब्जे से पहले भी हमेशा चीन का हिस्सा रहा है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा की अरुणाचल प्रदेश से मुतालिक अहम प्रेस ब्रीफिंग। बोले यौम पाकिस्तान के मौके पर चीनी फौजी दस्ते ने शिरकत पाकिस्तान की दावत पर की। परेड से दोस्ती में मुनफरिद रिश्ते की अकासी और अस्करी ताल्लुकात के एक नए रंगारंग बाब का आगाज हुआ है। आईसीसी वफ्द का दौरा पाकिस्तान। नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। ड्रेसिंग रूम्स और इंक्लोजर्स का दौरा। स्टेडियम में तमाशाइयों की गुंजाइश में कमी पर इजहार तशवीश। डिजिटल स्क्रीन से मुतालिक भी सवालात। वफ्द कल कदाफी स्टेडियम जाएगा, बुध को पिंडी स्टेडियम का दौरा करेगा। कौमी T20 फिजिकल फिटनेस कैंप का कल से काकुल में आगाज। 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान कैंप में तलब। साहबजादा फरहान, हसीबुल्ला, साउद शकील, मोहम्मद हारिस और सलमान आगा के अलावा उस्मान खान को भी बुला लिया गया है। आजम खान, इफ्तखार अहमद, शादाब खान, उसाम अमीर, मोहम्मद नवाज भी शामिल। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर और दीगर के नाम भी शामिल हैं। एक्शन और साइंस फिक्शन का नया शाहकार, अमरीकी सीरीज डॉक्टर हु का ट्रेलर जारी कर दिया गया। दिलचस्पियों से भरपूर सीरीज 10 मई से इंटरनेट पर स्ट्रीम होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।